मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर संसदीय खेल महाकुंभ के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर सरकार टीम को 1 करोड़ रुपए दे रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए भी देगी। ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम राज्य सरकार की तरफ से दे रहे हैं और टीम गेम पर इसके लिए हम लोग 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि उस खिलाड़ी को उपलब्ध करवा रहे हैं। बाराबंकी पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारा संविधान अधिकार नहीं देता बुलडोजर चलाने का, लेकिन बीजेपी बुलडोजर चलवा रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा सीबीआई और ईडी का देश में विपक्ष को बदनाम करने के लिए गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम लोग लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना, चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, समय आने पर बीजेपी को जवाब मिल जाएगा। वहीं बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, लेकिन यहां मंत्री सिर्फ विज्ञापन करने में लगे हैं। आगे उन्होंने कहा बीजेपी में कोई लोकतंत्र नहीं रह गया है। देखिए, निकाय के भी चुनाव चल रहे हैं, कोऑपरेटिव समितियों के चुनाव चल रहे हैं और हमारी चुनाव की पूरी तैयारी ही है और भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव को समय पर उनको जवाब मिल जाएगा। लखनऊ पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने यूपी में निकाय चुनाव पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में आप पूरे सीट पर चुनाव लड़ेगी और यूपी में जल्द ही शुरू किया जाएगा आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान। आगे विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जांच एजेंसियों का खुला दुरुपयोग कर रही है और सभी विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि जांच एजेंसियां अपनी निष्पक्षता से कार्य कर रही हैं। अगर आप ईमानदार और पाक साफ हैं तो आपको सहयोग करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाले भारत को जोड़ने की बात कह रहे हैं। जोड़ो, अभी उन्होंने यात्रा की, अब वो यात्रा का उद्देश्य और मकसद क्या है इससे हम लोगों को समझना चाहिए। जब इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया तभी हम लोगों ने कहा कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव का कम से कम इतना असर तो हुआ कि भारत को तोड़ने वाले, भारत को बांटने वाले आज भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आदत से बाज नहीं आएंगे। इस देश के प्रति उनका जो नजरिया है, उनके जो बयान हैं, वो परिलक्षित कर रहे हैं। हरदोई पहुंचे नरेश अग्रवाल ने सपा बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा गुंडों की पार्टी है और मायावती ने गुंडों को खुद का नेता बना दिया है। वहीं अहमदाबाद में अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा अखिलेश यादव अपनी पार्टी स्वयं जमीन में पहुंचाना चाहते हैं। उनके बयान को कितना लोग गंभीरता से लेंगे, अगर गंभीरता से लें तो उसका दूर तक परिणाम निकलेगा। शामली पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चौधरी चरण सिंह जैसा कोई नेता नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने कहा हमें अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा और मुद्दों को भी बड़ा करना पड़ेगा। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बड़े मुद्दों को ये सरकार उठा नहीं रही। साथ ही मिलिट्री भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिलिट्री भर्ती व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है।
फरुखाबाद के पंचाल घाट गंगा नदी में 6 बच्चों के डूबने का एक मामला सामने आया है, जहां गंगा नहाने के दौरान 7 बच्चे डूबने लगे, जिसके बाद डूबते बच्चे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर गोताखोरों ने 6 बच्चों को बाहर निकाला। वहीं एक बच्चा अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा पहुंचकर विधानसभा परिसर और कक्षों का निरीक्षण किया। साथ ही सत्र की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी सुझाव भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में हवन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की।